तो चलिए रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। आधुनिक दौर में कृषि कार्य की आधुनिक तरीके से होती शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि कृषि कार्यों के लिए भी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब किसानों को रासायनिक छिड़काव में आसानी के लिए ड्रोन तकनीकी का भी इजाद किया जा रहा है। वही राज्योत्सव के स्टॉल में इस बार ड्रोन तकनीकी का भी स्टॉल लगाया गया। आज हम पहुंचे हैं राजधानी रायपुर के राज्योत्सव पर साइंस ग्राउंड में, जहां पर कई स्टॉले लगी हुई हैं। उनमें से हम एक स्टॉल पर पहुंचे हुए हैं जहां पर ड्रोन छिड़कावों का मशीन बनाया गया है। आइए हम उनसे बात करते हैं, मशीन बनाने वाले से इस मशीन के बारे में चर्चा करते हैं। बताएंगे इस मशीन के बारे में, कैसे इस पर ड्रोन दवाई का छिड़काव किया जाता है। तो मैं परिचय बता देना चाहूँगा, मेरा नाम शशांक है और हमारी कंपनी का नाम डेवेस्ट है। हम रायपुर से इस्टेब्लिश हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और हमारी कंपनी इस ड्रोन को कृषि शक्ति के नाम से बनाती है और हमने इसको टोटल इंडिजिनस बनाया है। थोड़ा ज़्यादातर हमारी सारी इन्वेंट्री भारत में ही खुद हम लोगों ने करी है और इसका पर्पस हमारा किसानों की लागत, स्वास्थ्य, उनका पैसा, उनका उनको बेहतर मुनाफा, हर तरीके की प्रयास करने की कोशिश करी है कि किसानों के लिए इसके लिए किया जाए। इसका नाम जैसे मैंने बताया कृषि शक्ति है, किसानों की शक्ति, ठीक है। ये 15 से 20 मिनट में 2 एकड़ स्प्रे करता है। इसकी लागत 8.5 लाख रुपए 10 लीटर टैंक की होती है। सब्सिडी ऑफ में सब अवेलेबल है किसानों की तरफ के लिए, सरकार की तरफ से, ठीक है। इसमें कितना लीटर का दवाई छिड़काव कर सकते और कहां तक का? 10 लीटर होता है इसमें, 1 एकड़ स्प्रे होता है आपका। कैसे करेंगे छिड़काव किसान, उसको कैसे ऑपरेट करेंगे इसके बारे में बताएंगे? ऑपरेट नहीं करना है किसान को, सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है। हमारा लड़का जाता है, हमारा पायलट जाता है, उनके खेत का मैप बना देगा पहले, उसके पश्चात उनके खेतों में उनका कंसंट्रेशन वैल्यू बना के लिक्विड रेडी करके स्प्रे करके उनको फैसिलिटी दे देगा और उन्हें 500-600 रुपये पर एकड़ जो कॉस्ट होता है वो बेयर करना होता है। कॉस्ट क्या है इसका और कोई भी इसे खरीद सकता है कि कोई नहीं? खरीद सकता है, लेकिन इसको उड़ाने का और खरीदने का एक लाइसेंस प्रक्रिया है जो गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बना दी है कि इसको खरीदने के लिए लाइसेंस होना चाहिए DGC से और इसको उड़ाने के लिए भी लाइसेंस होना चाहिए। तो क्या इसे खरीदने के लिए हमें, आप जैसे लखनऊ से हैं तो लखनऊ जाना होगा? नहीं, ऐसा नहीं, हमारा दिल्ली रायपुर में भी ऑफिस है, हमारा दिल्ली भी ऑफिस है, हमारा पटना भी ऑफिस है। पैन इंडिया में कोई कहीं पर भी हमसे क्वेरी करता है हम उसको सर्विस देंगे, चाहे वो सेल पर्पस पे हो या रेंट पर्पस पे हो। कितने एकड़ के खेत के लिए काम कर सकता है एक बार में? ये न्यूनतम 1 एकड़ के लिए है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। हम जहाँ पर मशीन बेचते हैं हम एक बिजनेस गारंटी लेते हैं किसी से भी, ठीक है, क्योंकि मशीन लाना ले जाना महंगा होता है हमारे लिए। तो वहाँ पर हम पहले लड़का अपना भेजते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर किसानों को रेडी करते हैं और उसके बाद ही वहाँ ड्रोन भेजते हैं। चार्जिंग पॉइंट वगैरह के बारे में बताएंगे और बैटरी बैकअप क्या है? इसका चार्जिंग हमारा 35 से 40 मिनट में होता है और बैटरी बैकअप इसका 15 से 20 मिनट होता है, जिसमें 2 एकड़ हमारा स्प्रे होता है। आज हम पहुंचे हैं राजधानी रायपुर के राज्योत्सव पर साइंस ग्राउंड में, जहां पर कई